सुशील अग्रहरी बबलू गोरखपुर का नागरिक होने के नाते आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है राप्ती के तट पर मैं आया हूँ। और ये राप्ती जो श्रावस्ती से होते हुए गोंडा बहराइच नानपारा देते हुए सिद्धार्थनगर और महाराजगंज और गोरखपुर को टच करती हैं, आज इनका एक विकराल रूप देखने को मिला है। और इसमें क्या नाम है, हमने एक चीज़ों का अनुभव किया है कि क्या नाम है, गोरखपुर के तमाम अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों को जो है अगर बारिश होती है तो काफ़ी बड़ी नुकसान हो सकती है, लेकिन सरकार ने, उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो है एक इतनी सुंदर व्यवस्था की है जो आज राप्ती के तट पे देखने को मिला है। यहाँ पे पीएससी के जवानों को जो इस शाखा से संबंधित हैं, बाढ़ बचाव से संबंधित क्या नाम है, लोगों को यहाँ पहले से तैनात कर रखा है। और इस चीज़ को जो है देखकर बड़ा ही हर्ष और खुशी का है कि यहाँ के सिंचाई मंत्री जी भी तमाम जिलों के दौरों पे हैं, देखकर बड़ा अच्छा मन को प्रफुल्लित करता है और सरकार की व्यवस्था को देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। और मैं तो यही कहने के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार की मतलब सभी विभागों में एक अच्छी व्यवस्था चल रही है और जनता हर जगह जो है खुशहाल दिख रही है, कहीं से किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, चाहे वो पुलिस थाने का मामला हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो, चाहे वो सिंचाई विभाग से संबंधित हो, ये सारे मामले जो हैं और बड़े अच्छे ढंग से ये विभागों का निर्वाह हो रहा है सरकार के नेतृत्व में जो है ये दे। और मैं गोरखपुर से जो है सुशील अग्रहरी बबलू, मैं सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी जनता की तरफ से, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि भगवान आपकी व्यवस्था को ऐसे ही जो है आगे भी चलाएं और आप सदैव आगे बढ़ें और समाज के मार्गदर्शन में, समाज की जो है सेवा में जो है सदैव आप आगे बढ़ें और जल्द आप प्रधानमंत्री बने, ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। गोरखपुर बबलू अग्रहरी